दोस्तों जवान फिल्म कैसे डाउनलोड करना है इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकता हूं और इसका कमेंट बॉक्स में भी लिंक नहीं दे सकता हूं, क्योंकि ये YouTube का गाइडलाइन है कि आप किसी भी लिंक को, आप जो कॉपीराइटेड लिंक है उसको आप अपने ना डिस्क्रिप्शन में आपको डालना है और ना ही आपको अपने कमेंट बॉक्स में डालना है। तो इस फिल्म को डाउनलोड कैसे करना है मैं आपको वो तरीका बताऊंगा और जेन्युइन तरीका बताऊंगा कि कैसे इसको डाउनलोड करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस फिल्म का एक समरी बताऊंगा, उस फिल्म की कहानी मैं छोटी सी बताऊंगा कि इस फिल्म में क्या दिखाया गया है। आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा और इसी वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगा कि इस फिल्म को कैसे डाउनलोड करना है, उसका प्रोसेस क्या है, किस तरह से आप HD में उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, मैं इस वीडियो के बीच में ही आपको बताऊंगा कि वो प्रोसेस क्या है, किस तरह से आपको डाउनलोड करना है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। दोस्तों जवान फिल्म एटली द्वारा लिखी 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी फिल्म है। इसमें शाहरुख खान ने विजय सेतुपति, नयनतारा, सान्या मल्होत्रा और प्रिया मणि के साथ दोहरी भूमिका निभाई है। इस फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा रचित किया गया है। फिल्म की शूटिंग सितंबर 2021 में शुरू हुई थी और फरवरी 2023 में पुणे, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और औरंगाबाद में फिल्मांकन के साथ समाप्त हुई। ये 2 जून 2023 को रिलीज के लिए निर्धारित थी, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के लिए अधिक काम की आवश्यकता के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था और 7 सितंबर 2023 को जन्माष्टमी के अवसर पर रिलीज हो चुकी है ये फिल्म। दोस्तों फिल्म का निर्माण गौरी खान ने रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट के तहत किया है, जबकि गौरव वर्मा सह निर्माता के रूप में ये काम कर रहे हैं। दोस्तों कंपनी की परियोजना की पुष्टि करते हुए 3 जून 2022 को एक सार्वजनिक घोषणा की कि यह फिल्म 300 करोड़ के बजट पर बन रही है। दोस्तों जवान फिल्म सामाजिक मुद्दों पर बनी फिल्म है। शाहरुख खान की यह फिल्म दर्शकों के सामने आ चुकी है और लोगों को फिल्म का एक्शन और जिस तरह से फिल्म के में सामाजिक मुद्दों को दिखाया गया है वह काफ़ी पसंद आ रहा है लोगों को। फिल्म में एक ऐसा सीन भी दिखाया गया है जो देश के किसानों के दिल को छू जाता है। दोस्तों फिल्म में दिखाया गया है कि एक किसान को कर्ज चुकाने के भारी दबाव के कारण आत्महत्या करनी पड़ती है। भारत में किसानों की आत्महत्या की कहानी काफ़ी पुरानी है। ऐसे में फिल्म जवान में दिखाया गया ये सीन 1970 के दशक में भारत में किसानों की आत्महत्या से मरने वाली राष्ट्रीय आपदा को दर्शाता है। दोस्तों ये घटनाएं ज़्यादातर निजी जमींदारों और बैंकों से लिए गए ऋण को चुकाने में असमर्थता के कारण किसानों की हो जाती है। NCRB डेटा के मुताबिक 2014 और 2020 के बीच में 6 वर्षों में किसान आत्महत्या की घटनाएं अधिक हो रही हैं। 2014 में 5600 किसानों की आत्महत्या से मरने की खबर आई थी और 2020 में 5500 किसान जो है मरने की खबर आई थी। दोस्तों जवान मूवी में शाहरुख खान एक मसीहा के रूप में काम करते नजर आए हैं, जो अमीरों से पैसे लेकर के उन्हें जो है किसानों के बीच बांट देने का काम ये करते हैं। किसान आप उनसे जो है कि पैसा लेकर के अपना ऋण चुका देते हैं। दोस्तों कहानी की अगर बात करें हम तो जवान की कहानी विक्रम राठौर की, जो सेना की स्पेशल टास्क फॉर जवान है, लेकिन ये विक्रम राठौर मुंबई की एक मेट्रो ट्रेन को हाईजैक करता है और सरकार से अपनी मांगे मंगवाता है। विक्रम राठौर अकेला नहीं है बल्कि उसके साथ 6 लड़कियां भी हैं जो उसकी इस क्राइम में मदद करती हैं। विक्रम राठौर के सामने देश के सबसे बड़े आर्म्स डीलर्स में से एक काली गायकवाड़ है जो सेना के जवानों को बंदूकें देता है। काली एक बड़ा बिजनेसमैन है और विक्रम राठौर से उसकी पुरानी दुश्मनी चलती है। विक्रम राठौर का बेटा आज़ाद और इन दोनों के किरदारों में शाहरुख खान नज़र आए हैं। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान की इस फिल्म में आपको डबल रोल देखने को नज़र आएगा। ये कहानी में लेडी आर्मी क्यों है, विक्रम राठौर दुश्मन क्यों बन गए और आज़ाद क्यों कर रहा है, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिनेमाघरों में मिलेगा। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।